नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी अरुणेश आपके पास एक ज्वलंत और गंभीर मुद्दा लेकर आया हूँ। सीधा मुद्दे की बात करेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी जिसमें राजस्थान के एक जैसलमेर शहर में एक व्यक्ति को मेघवाल उसको उसको उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो दलित परिवार से था और उसने मूछ रखी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जो मूछ है, जो उसमें तर्क दिया गया कि जो मूछ रखना है वो एक जाति विशेष के लोग ही रख सकते हैं, वो शान का प्रतीक है। तो सवाल ये उठ रहा है, हम किस दौर के भारत में जी रहे हैं और हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? कहाँ हम बात करते हैं कि विश्वगुरु बनेंगे, आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अब वो जो पुरानी बातें हो गई। कई लोग ऐसा तर्क देते हैं, जब मैं इस तरह की बातें करता हूं तो लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब, आरक्षण ख़त्म हो जाना चाहिए, दलितों या ओबीसी का आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, आरक्षण से जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनकी हकमारी हो रही है। तो ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या उस मानसिकता को सरकारें या हमारे समाज के लोग नहीं बदलना चाह रहे हैं, या फिर इसके पीछे वजह क्या है? सिर्फ ये एक घटना नहीं है जो राजस्थान में जो हुई है, ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की कई घटना अगर हम पिछले 2 से 3 साल पीछे जाएं तो सिलसिलेवार देखें तो इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले एक घटना बरेली में हुई थी जहां गांव के दबंग व्यक्ति ने, एक जाति विशेष के व्यक्ति ने, सवर्ण ने एक दलित को पेड़ से बांध के उसको पीटा, उसकी मूछें उखाड़ी और उसको अपने जूते में मूत्र डालकर पिलाया। सिर्फ इसलिए पिलाया क्योंकि उस दलित व्यक्ति ने अपना जो खेत था, गेहूं की फसल का कटने का समय था, अपना खेत उस दबंग व्यक्ति या उस सवर्ण व्यक्ति से पहले क्यों काट लिया। मामला संज्ञान में आया, मीडिया में पहुंचा, तब जाके उस पर कार्रवाई हुई। इससे पहले हाथरस वाली घटना आपने देखी है कि कैसे एक दलित बेटी का सामूहिक बलात्कार करके उसकी नृशंस हत्या की जाती है, उसकी जीव काटी जाती है, उसके पैर की हड्डी तोड़ी जाती है और उसके शरीर में तमाम घाव किए जाते हैं और उसको मार दिया जाता है और हिंदू रीति रिवाज की अवहेलना करते हुए रात में उसको जला दिया जाता है। उसके पीछे भी जो वजह थी वो वजह यही थी कि उस गांव में जो सवर्ण व्यक्ति थे, सवर्ण जाति के जो लोग थे, वो लोग से बता रहे हैं उस बच्ची ने कभी कुछ बात बोल दी होगी और वो लोग उसको अपने ईगो पे ले गए और ईगो पे लेके इस तरह की कायराना हरकत कर दी। ये घटना 2 साल पहले की घटना है, मीडिया में आई और तमाम इसमें चीज़ें हुई। पहले पुलिस प्रशासन उनको बचाता रहा लेकिन फिर जब मामला ज़्यादा हाईलाइट हो गया तब जाके इस पे कोर्ट ने एक्शन लिया और उन लोगों को इस समय सजा हुई है, जबकि उसमें नेता विधायक उन लोगों को बचाते हुए नजर आए थे। इसी तरह की एक घटना बुलंदशहर में हुई है जिसमें ओबीसी समाज की, लोधी समाज की एक बेटी के साथ सेम हाथरस वाली घटना हुई है। उसको मारा गया, उसका सामूहिक बलात्कार किया गया और पुलिस रीति रिवाज की अवहेलना करते हुए उसका जो है दाह संस्कार कर दिया और पुलिस ने ये कहा कि इस मामले को रफा दफा करो। तो सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? और इसी तरह की कई घटनाएं हैं, सिलसिलेवार हम जाते हैं, आए दिन हमें ये सुनने को आ जाता है कि कोई दलित व्यक्ति है या कोई अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति है तो वो घोड़ी पे नहीं बैठ सकता। वो शादी अगर करेगा तो पैदल जाना पड़ेगा, घोड़ी पे नहीं बैठेगा क्योंकि घोड़ी पे जो सवर्ण जाति के व्यक्ति विशेष के लोग हैं उन्हीं को बैठने का अधिकार है। कई जगह अभी भी दलितों को मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं है, अभी भी। जी हाँ, आपको बिल्कुल आश्चर्य होगा कि अभी भी कई मंदिरों में दलितों को घुसने का अधिकार नहीं है। 3 साल 4 साल पहले एक घटना आई थी मेरठ के एक गांव में, वाल्मीकि समाज के लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया। उन्होंने जब धमकी दी कि हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे और ये मामला मीडिया में चला गया, तब जाके उन लोगों ने उन्हें मंदिर में जाने की इजाज़त दी। तो ये जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, कहने को हम कह रहे हैं कि हम आधुनिक भारत की तरफ जा रहे हैं, पढ़ लिख गए हैं, अब जाति
और धर्म की कोई जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं रह गया। लेकिन हमारे देश में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हमारे देश में ये जाति कभी नहीं जा सकती, क्योंकि इस जाति को बनाने वाले लोग और इस जाति व्यवस्था को चलाने वाले लोग खुद नहीं चाहते हैं कि जाति व्यवस्था हमारे समाज से खत्म हो, आपसी मनमुटाव हमारे समाज से खत्म हो, आपसी भेदभाव हमारे समाज से खत्म हो। क्योंकि ये चीजें सिर्फ कहने सुनने में, ऐसा देखने में आ रहा है कि सिर्फ कहने सुनने में, संसद में भाषण दे दो तो वहां अच्छी लगती हैं। अब एक बात मुझे ये बताइए आप लोग कि हम लोग अभी भी 21वीं सदी चल रही है, दुनिया अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की बात करती है, और हम लोग अभी भी शादियों में सजातीय शादियां करते हैं, और उसमें भी ये देखते हैं कि गोत्र ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। गोत्र के बारे में अभी आपको जानकारी होगी कि हर जाति के अपने गोत्र होते हैं, हर कुल में अपने गोत्र होते हैं, तो गोत्र व्यवस्था तक पे हम जाते हैं। और जो जाति से बाहर शादी करता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा में तमाम जगह खाप पंचायतें भी हैं, तो उनको समाज से निकाला दे दिया जाता है। तो क्या व्यवस्था हम दे रहे हैं, हम किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या इस तरह का जो जातीय ताना बाना है, जो जातीय विषमता है, क्या इसी तरह से समाज में चलती रहेगी? क्या सरकारें या समाज इसके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं बना सकता? क्या सिर्फ कहने भर के लिए है कि हिंदी हैं हम वतन हैं और हिंदुस्तान हमारा और हम अनेकता में एकता के देश हैं, हम जाति धर्म को ना मानने वाले देश हैं? सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होगा दोस्त, करके दिखाना पड़ेगा। और जब तक हम लोग खुद, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक ये जो जाति ताना बाना है ये खत्म नहीं होगा। रोज कोई मेघवाल मूछ काटने पे, उस मूछ रखने पे उसको मार दिया जाएगा। कभी किसी दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया जाएगा, दलित बेटी को, कि वो किसी सवर्ण से किसी बात को लेके कुछ कहेगी, या फिर कभी भी दलित अगर घोड़ी पे चढ़ेगा तो उसको मार दिया जाएगा। और इस तरह की जो चीजें हैं जो आप देख रहे हैं, तो इस तरह का जो सिस्टम है, ये सिस्टम हम ही लोगों ने बनाया है, और इस सिस्टम को हम ही लोगों को ठीक करना है। क्योंकि समय समय पे जब समाज में इस तरह की गंदगी और कुरीतियाँ फैल जाती हैं और ज़्यादा व्याप्त होती है, तो हम ही लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम लोगों को ये प्रण लेना पड़ेगा कि इस तरह की कुरीतियाँ, पहले तो इसको विरोध करें, और जहाँ कहीं भी होता है तो इसका मजबूती से इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं, पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाया जाए, सरकारों पे दबाव बनाया जाए। क्योंकि जाति व्यवस्था जब तक हमारे समाज से खत्म नहीं होगी, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा, और हम आधुनिक भारत की जो बात कर रहे हैं वो बातें सिर्फ किताबों में रह जाएंगी और बेमानी रह जाएंगी। मैं अपनी बातों को यहीं खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर मेरी बातें आपको ठीक लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।